महामारी में भी सियासत का खेल है जारी, सरकार हुई बेफिक्र, जनता बेहाल। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंशु तिवारी। आप देख रहे हैं, वक्त हो गया है खबरों की। खबर देश में बदहाली का आलम यह हो गया है कि चिता पर चिता जल रही है। हर जगह मौत का मातम पसरा है। किसी का भाई छिन गया तो किसी का सोहा, मगर फिर भी एक आस लिए लोग जिंदगी जीने के लिए बस एक नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं। आलम यह है कि अब अस्पताल, डॉक्टर, शमशान सब कम पड़ रहा है। इलाज के अभाव में लोग मौत को गले लगा रहे हैं। दर दर भटकने के बाद भी अपनों को नहीं बचा पा रहे हैं। सिस्टम के आगे अब जनता लाचार पड़ गई है, मगर फिर भी जिंदगी से लड़ने को तैयार है। लेकिन इन सब के बीच आज भी वही सवाल है कि आखिरकार कौन है इन सबका जिम्मेदार, सरकार या जनता? क्योंकि जो जनता अपने भविष्य के विकास के लिए कैसे सरकार या प्रधानमंत्री को चुनती है, जो उसको आने वाले वक्त में महामारी, आपदा, अलग व्यवस्थाओं से उसे बचा सके, लेकिन जब सरकार ही फेल हो अपने दायित्वों को पूरा करने में, तब कैसे वो एक अच्छी सरकार हो सकती है जो देश को चलाने में सक्षम नहीं है, जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो आज खुद देश की जनता से मुंह फेरती नजर आ रही है। जिसको लोगों की चीख, लोगों की परेशानी, वो बिछी हुई लाशें नहीं दिखाई दे रही है, वो कैसे एक अच्छी सरकार हो सकती है? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। जीडीपी का 7% भी हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च नहीं किया जा सकता है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इन सब के बीच कुछ महारथी ऐसे भी हैं जो कहते हैं आपदा में अवसर और मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि देश में जो हालत है उसकी जिम्मेदार जनता नहीं, मोदी है, जिसको देश संभालने का जिम्मा दिया गया है। क्योंकि महामारी को आज एक साल का वक्त बीत चुका है। बहुदूर सरकार रैली करना, विपक्षी पार्टी को कोसना और हिंदुत्व का नारा लिए चल रही है, ना कि देश की जनता की सुन रही है। इस समय देश की स्थिति सबसे भयावह है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को ठीकरा फोड़ रही है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार, लेकिन इन सबके बीच इस महामारी से अगर कोई जूझ रहा है तो वो आम जनता है। भुखमरी से मर रही है जनता, खाने के लिए तरस गई है, अस्पताल, प्रशासन सब फेल होता नजर आ रहा है। उसके बावजूद ना सरकार की तरफ से कोई खास कदम उठाया जा रहा है और ना राज्य सरकार की तरफ से। इन सबके बीच आज भी सवाल यही उठता है कि आखिरकार कब हमारे देश में जो हेल्थ सेक्टर है उसको कब सुधारा जाएगा और कब लोग जिस तरह से जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं उनको राहत मिलेगी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए खबरों की खबर में। तब तक नमस्कार।